हेलो क्लास थर्ड, वेलकम टू एरुडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग। सो फ्रॉम आवर प्रीवियस टू क्लासेस वी आर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज 2.2 ऑफ एडिशन चैप्टर। ओके, सो आई होप यू हैड योरसेल्फ ट्राइड एटलीस्ट वंस दिस ऑल क्वेश्चंस, एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो लेट्स रीड आउट व्हाट इट वांट टू से अस। Pinky solved 141 problems yesterday. Okay, Pinky को यहाँ पे बहुत intelligent बताया गया है बच्चों। उसने yesterday मतलब कल, जो बीत गया, कल था, ठीक है, जो कल था। तो कल उसने क्या किया, कल क्या किया था इसने, 141 problems solve की थी। आपने करी कभी एक दिन में इतनी? जितनी ज़्यादा problem solve करेंगे उतना ही हमारा मैथ्स स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो बच्चों पिंकी ने क्या किया, कल कितनी सॉल्व की थी, 141 प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे मैथ्स की या किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम्स उसने सॉल्व की। एंड 121 प्रॉब्लम्स टुडे, आज कितनी सॉल्व की उसने, 121, मतलब 100 से नीचे तो ये सॉल्व ही नहीं करती है, 100 से ज़्यादा ही करती है हमेशा। इस क्वेश्चन के थ्रू हमें ये पता लगता है, ठीक है। How many problems has she solved in both the days? क्या पूछना चाहता है ये कि अगर उसने कल इतनी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, आज इतनी प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो बताओ हाउ मैनी। जब भी हाउ मैनी पूछे तो कितनी, कितनी प्रॉब्लम्स हैज शी सॉल्व इन बोथ द डेज। बोथ मतलब दोनों, जब भी हम दो को एक साथ लेते हैं तो क्या बोलते हैं, बोथ। बोथ क्या है यहाँ पर, दो कौन कौन है, यस्टरडे और टुडे, कल और आज का मिला के उसने टोटल कितनी प्रॉब्लम्स सॉल्व की। कल कितनी की थी, 141, आज कितनी की है, 121। तो क्या करेंगे हम, आपका दिमाग क्या कहता है, प्लस करेंगे, ठीक है। जिन्होंने भी प्लस सोचा है दिमाग में उन्होंने सही सोचा है। क्यों करेंगे प्लस, क्योंकि हमें यही तो पता लगाना है, कल किसने कितनी की थी, इतनी, और आज कितनी की थी, इतनी। तो टोटल उसने आज कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे, कितनी प्रॉब्लम्स कर ली होगी, 141 प्लस 121, ठीक है। तो इन दोनों को बच्चों हम प्लस करके ये पता लगाएंगे कि दोनों दिन को मिला के इसने टोटल कितनी प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं। क्वेश्चन हमको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देंगे, आज की क्लास वर्क और डेट आप लोग डालेंगे बच्चों, ठीक है। फिर आप लिखेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले पेंसिल से, शार्पन पेंसिल से अच्छी राइटिंग में क्वेश्चन लिखना है आपको नोटबुक में। उसके बाद आपको सॉल्यूशन 4, ठीक है, सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखेंगे SOL, ठीक है, फिर डॉट, फिर 4, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आंसर अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि आंसर तो अब हम निकालेंगे, ठीक है, सॉल्व करके फिर आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे लैंग्वेज थोड़ी सी कि प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड यस्टरडे, ठीक है। कल कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, 141, तो हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू 141, ठीक है। ये तो यस्टरडे की बात हो गई, कल की बात हो गई, आज कितनी की है उसने, प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड टुडे, आज कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की है, 121। और निकालना क्या है हमको, दोनों दिन की मिला के टोटल कितनी प्रॉब्लम्स उसने सॉल्व की है, हाउ मैनी प्रॉब्लम्स हैज़ शी सॉल्व्ड इन बोथ द डेज, ठीक है। दोनों दिन, बोथ द डेज मतलब यस्टरडे और टुडे, इन दोनों दिन में उसने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो पहले बच्चों हम प्लस का साइन लगा के, प्लस करके ये पता लगाएंगे कि दोनों दिन का मिला के उसने टोटल कितनी प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं, ठीक है। तो बड़ा बड़ा ही इजी एडिशन है बच्चों ये, तो वन में सिर्फ वन प्लस करना है, मतलब वन और फिर वापस वन, तो वन प्लस वन टू, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही नंबर दो बार प्लस हो रहा है, मतलब वन टू जा टू, ठीक है, उसी नंबर की टेबल टू टाइम्स बोल देंगे। उसके बाद हमको क्या प्लस करना है, फोर में टू प्लस करना है, फोर और टू में छोटा कौन है, टू छोटा है, तो टू को पहले काउंट कर लो, वन और टू, और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करो बोलना, फोर के बाद से, फोर के बाद क्या आता है, फाइव सिक्स, यहीं तक काउंटिंग बोलनी थी क्योंकि हमारा टू यहीं आया था, तो फाइव और सिक्स, तो सिक्स हमारा यहाँ पे इसका रिजल्ट हो गया, फोर प्लस टू का, ठीक है। और वन प्लस वन तो अभी हमने किया है, वन प्लस वन कितना होता है, टू ही होता है, तो अगेन हम टू ही लिख देंगे, तो इसका आंसर तो बड़ा जल्दी आ गया हमारा, ठीक है, क्या आया, 262। इसका मतलब
टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड इन बोथ द डेज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कितनी सॉल्व करी उसने, 262, दोनों दिन की मिला के, यस्टरडे कल की और आज की दोनों की मिला के उसने कितनी सॉल्व करी टोटल, 262। आंसर ए एन एस, ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या कहना चाहता है। इस बार कौन आ गई, दृष्टि आ गई, तो देखते हैं दृष्टि की दृष्टि से क्या कहना चाहती है। तो दृष्टि सेव्स, ये किसका सिंबल होता है बच्चों, र फिर ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, रुपए। आपके अभी सिलेबस में भी है, लेटर ऑन है ना, फर्स्ट टर्म के बाद हम पढ़ेंगे उसको, जब भी आपके सिलेबस में आएगा, इस थर्ड क्लास के सिलेबस में आपके है रुपीज़ वाला चैप्टर, उसमें हम सीखेंगे इस सिंबल को क्या कहते हैं हम, रुपया, ठीक है। तो ऐसा र, इसको बनाते कैसे हैं, बड़ा इजी है इसको बनाना। जब आप कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे तो किस किस तरह से बनाएंगे इसको, सबसे पहले बच्चों आप बना लेंगे इस तरह से र, हिंदी वाला जो र होता है हमको बनाना आता है अच्छे से, ऐसे बनाएंगे र, ये र बन गया हमारा, उस पर बस आपको इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, बस ऐसे इसको क्रॉस करती हुई या कैंसिल करती हुई। तो इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, रुपया। हमारे जो इंडियन रुपीज़ होती है, इंडियन करेंसी है, उसका जो सिंबल है वो क्या है, ये है। और कभी कभी इंग्लिश में हम इसको शॉर्ट में RS भी लिख सकते हैं, रुपीज़, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम आपके इस क्लास में भी कोर्स में हैं तो हम इस सिंबल को ही यूज़ करेंगे ये बताने के लिए कि इसका मतलब क्या होता है, इंडियन रुपी, ठीक है। इंडियन रुपी का ये सिंबल है बच्चों, ऐसे ही अमेरिका का जो रुपीस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉलर, तो उसका सिंबल क्या होता है, डॉलर। ऐसे बनाते हैं डॉलर, पहले एस और फिर इस तरह से वर्टिकल लाइन, तो ये क्या बन जाता है, अमेरिकन डॉलर, ठीक है। लेकिन अभी हम अमेरिका में नहीं है, कहाँ पे है, इंडिया में, इंडिया में क्या चलता है, रुपया। तो रुपया को हम कैसे बनाते हैं, पहले तो र और फिर इसको इस तरह से कैंसिल कर दो, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस कर दो, तो ये क्या बन जाता है आपका, रुपया बन जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमको सिंबल बनाना है, इसका मतलब होता है इंडियन रुपया। तो दृष्टि सेव, दृष्टि ने क्या किया, सेव किया, कुछ बचत की, ठीक है। कितनी बचत की, रुपीज़ 187 की बचत की, इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन मतलब अंदर, जुलाई के मंथ के अंदर, मतलब जुलाई मंथ में उसने कितना सेव किया, 187 रुपए की बचत करी उसने, ठीक है, उसने पैसे बचा लिए, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा, रुपीज़ 316 इन द मंथ ऑफ अगस्त, और अगस्त में उसने कितने सेव किए, रुपीज़ 316 सेव किए, ठीक है। एंड, एंड मतलब और, रुपीज़ 249, इतने रुपए उसने कब बचत किए, इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में उसने कितने रुपए बचाए, रुपीज़ 249। तो हमको पूछ क्या रहा है, हाउ मच मनी डिड शी सेव इन थ्री मंथ्स, कौन से थ्री मंथ्स के बारे में पूछ रहा है, ये इन्हीं थ्री मंथ्स के बारे में, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन तीनों महीनों को मिला के उसने टोटल कितना पैसा सेव कर लिया, कितने रुपए की बचत कर ली। जैसे जैसे वो अलमारी में रखती जा रही है, जुलाई में उसने 187 रुपए बचा के रखे, फिर अगस्त में 316 रुपीज़ बचा के रखे, और फिर सेप्टेम्बर में 249 उसने बचा के रखे। जैसे हमारा पिग्गी बैंक होता है ना, इस तरह से किसी बैंक में सपोज उसने डाल दिए, तो अगर उन पिग्गी बैंक को तोड़े बिना हमको पता लगाना है कि उसमें कितने पैसे हैं, तो कैसे पता लगाएंगे, कि हमने तीनों महीनों में उसमें कितने कितने पैसे डाले हैं, ठीक है। तो इन तीनों को बच्चों हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, तभी तो हमको पता लगेगा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों को मिला के कितने रुपए की बचत हुई। हाउ मच मनी, कितना मनी, कितना रुपया उसने, डिड शी सेव, उसने बचत की इन थ्री मंथ्स, कौन कौन से, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन थ्री मंथ्स में इसने कितने रुपए की बचत करी। तो सिंपली इस बार अभी तक हम कितने नंबर्स प्लस करते आए, 2, 2, 2, 2, इस बार हमें थ्री नंबर प्लस करने, कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, तीनों को हम एक के नीचे एक लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ी सी लैंग्वेज हम लिखेंगे, सेविंग्स इन जुलाई, मतलब जुलाई की जो बचत है वो कितनी है, रुपीज़ 187। फिर सेविंग्स इन अगस्त, अगस्त की जो बचत है वो कितनी है, रुपीज़ 316। रुपये का सिंबल बच्चों अच्छे से बनाना, गंदा मत करना, ठीक है। सेविंग्स इन सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में कितने रुपये बचाए उसने, रुपीज़ 249, ठीक है।
अब बच्चों हम एक एक करके इन तीनों को लिखेंगे और प्लस करेंगे। सबसे पहले 187 तो 187, फिर 316 तो 316, फिर 249 तो 249, ठीक है। इन तीनों को बच्चों हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब हमको बच्चों एक साथ तीन नंबर प्लस करने हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम कैरी आता था तब भी तो प्लस करते थे, तो उसी तरह से हम जो हैं इनको भी प्लस कर लेंगे, ठीक है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन दोनों को प्लस करने पे जो आता है वो नंबर आपको ध्यान रखना है, उसी नंबर में हमें तीसरा वाला नंबर प्लस करना होगा। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि अब जब भी हम 9 में कोई नंबर प्लस करते हैं, है ना, जब भी हम 9 में कोई भी नंबर प्लस करते हैं, अगर मुझे 9 में 5 प्लस करना है तो 5 से पहले क्या आता है, 4, और उसके पहले एक 1 लगा दो तो 14। 9 में अगर मुझे 6 प्लस करना है तो 6 के पहले क्या आता है काउंटिंग में, 5, 5 आता है फिर 6 आता है, तो 5 लिख दो उसके आगे 1 लगा दो पहले, तो इसका मतलब 9 प्लस 6 कितना होता है, 15। ऐसे ही मुझे 9 में 7 प्लस करना है तो मुझे बस इतना सोचना है माइंड में कि 7 के पहले काउंटिंग में कौन आता है, 6, तो 16 आंसर, ठीक है। तो ऐसे इस ट्रिक से बच्चों आप और जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको 9 में 6 प्लस करना है तो आप सिंपली ये सोचोगे माइंड में कि यार मैं काउंट करूँगा तो बहुत टाइम जाएगा, तो इससे अच्छा है मैं 6 से पहले क्या आता है, 5, तो 15, ठीक है। 9 प्लस 6 15, ठीक है। और जिनको अभी भी ये ट्रिक अच्छे से नहीं आई वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से हम काउंटिंग करके तो निकाल ही सकते हैं, बस इसमें टाइम हमको थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो 9 में अगर मुझे 6 प्लस करना है तो कितना आता है, 6 पहले काउंट कर लो क्योंकि 6 छोटा है 9 से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 9 के बाद से, मतलब 10 11 12 13 14 15, 15 ही आया, हमको पता ही था 6 से पहले 5 आता है तो 9 प्लस 6 15 ही आएगा। अब बच्चों ये 15 आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इस 15 में हमको अभी 7 प्लस करना बाकी है, तो 7 को पहले काउंट कर लो क्योंकि 7 15 से छोटा ही है, काउंटिंग में पहले आता है 7 15 से तो छोटा ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारा 7 आया, यहीं पे थंब को रोक दो, ठीक है। और उसके बाद हमें पता था 9 प्लस 6 कितना आया था हमारा, 15। अगर आप याद नहीं रख पाते हो तो छोटा सा कहीं पेंसिल से लिख लो 15, ताकि आपको पता रहे इस 15 में हमको 7 प्लस करना है, ठीक है। तो 15 के बाद से बच्चों हम काउंटिंग बोलेंगे 16 17 18 19 20 21 22, यहीं तक काउंटिंग बोलनी थी, कितना आया, 22 आया। तो 22 का जो 2 है वो तो जाएगा ऊपर कैरी में, और जो वंस वाला 2 है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे नीचे, इसको हम रीग्रुपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों हमको 4 नंबर प्लस करने, कोई बात नहीं, हमको प्लस करना आ गया है तो हम एक साथ कितने भी नंबर प्लस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम 8 और 2 को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है 8 प्लस 2 10 होने वाला है, जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो याद कर लें 8 प्लस 2 10 होता है, तो हमारे लिए बाकी नंबर को ऐड करना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो 8 में पहले 2 प्लस कर लो, कितना आएगा, 2 छोटा है तो 1 2, पहले काउंट कर लो, और 8 के बाद क्या आता है, 9 और फिर 10, तो मतलब 8 प्लस 2 कितना हो गया हमारा, 10। 10 में अगर हमको 1 प्लस करना है तो हमें पता है जब भी हम 1 प्लस करते हैं तो उसी के आगे वाली काउंटिंग बोल देते हैं, जो काउंटिंग में नेक्स्ट सक्सेसर जो होता है उसका नंबर आता है, 10 के बाद कौन आता है, 11, तो 10 प्लस 1 11, ठीक है। और 11 में हमको 4 प्लस करना है तो 4 पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है, और फिर 11 के बाद काउंटिंग बोलेंगे 12 13 14 15, कितना आया, 15 आया। और आप ऐसे भी कर सकते थे बच्चों, 10 में पहले 4 प्लस कर लेते तो आपके लिए ईजी होता, 10 प्लस 4 14, और 14 में सिर्फ आपको 1 ही प्लस करना रहता, और 1 प्लस करने का मतलब होता है उसी के आगे वाला नंबर बोल देना, मतलब 14 प्लस 1 15। तो बच्चों ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आप खुद से पता लगा पाओगे कि किन पैर को मैं पहले सोल्व करूं, ठीक है, ताकि हमारा आंसर थोड़ा जल्दी भी आए और आसानी से करेक्ट भी आए, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या प्लस करना है, 1 प्लस 1 2 ही होगा, 1 प्लस 1 2, इस 2 में ये 3 प्लस करें या पहले 2 प्लस 2 करें, 2 प्लस 2 करना आसान रहेगा, 2 प्लस 2 4 होता है या 2 2 जा 4 होता है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो इस 2 में पहले 3 प्लस कर लो और फिर बाद में 2 प्लस कर लो। तो मैंने यहाँ 2 में अगर हम 3 प्लस करें, अगर हम लाइन वाइज चलें, 1 प्लस 1 2, और 2 में अगर 3 प्लस करेंगे 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 पहले काउंट कर लो, 3 के बाद काउंटिंग बोलो, 4 और 5, ठीक है। तो 3 प्लस 2 5 हो गया, और नीचे वाला 2 मिला के 5 में हमें क्या प्लस करना है, 2 और प्लस करना है, ठीक है। तो 1 2 और 5 के बाद से काउंटिंग बोलो, 6 7, तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे कितना आ गया, अब 752, ठीक है। तो बच्चों जितनी ज़्यादा आप सम की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका एडिशन और ये कुछ चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी, जैसे 6 प्लस 5 11 होता है, ठीक है, 8 प्लस 2 10 होता है, ये जितना जल्दी हम, और ये 9 वाली ट्रिक
ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चों आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी बेहतर तरीके से आपको आएगी। तो फाइनली हम आंसर किस तरह से लिखेंगे बच्चों, टोटल सेविंग्स इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में टोटल कितना सेव कर लिया उसने, कितना पैसा बचा लिया, इज इक्वल्स टू रुपीज़। इस बार बच्चों हमको यूनिट लगाना ज़रूरी है, अभी तक हम क्या निकालते आए थे, नंबर, तो उसमें कोई यूनिट नहीं थी। लेकिन जब भी आपको रुपीज़ निकालना हो, है ना, या किसी की लेंथ टोटल निकालनी हो, तो अब आपके जो है यूनिट की अहमियत अब आपके कोर्स में एक तरह से सिलेबस में ऐड हो जाती है, क्योंकि ये 752 कोई नंबर नहीं है, ये क्या है, रुपीज़ है। तो पहले आपको रुपए का सिंबल लगाना है, जिस तरह से क्वेश्चन में आपको दिया गया था उसी तरह से आपको करना है, ठीक है, रुपीज़ का आपको सिंबल लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर लिखना है 752 आंसर, ठीक है। एग्ज़ाम में भी बच्चों आपके यूनिट के जो हैं मार्क्स रहते हैं, तो अभी से आप अपनी आदत डाल लें कि अगर क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें रुपीज़ पूछे या लेंथ पूछे और उसमें यूनिट दे रखी हो, तो आपको यूनिट वहाँ पे आंसर में भी लगानी है, कंपलसरी है, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। आई होप आप, मैं चाहूँगा कि आप एक तरह से खुद से भी अपने हाथों से जो है इनको पहले खुद से एक बार ऐड करें और फिर यहाँ से कॉपी करके आप लिखें, ठीक है। केवल कॉपी नहीं करना है बच्चों, जब तक आप मैथ्स में और साइंस में अपना खुद का दिमाग नहीं चलाओगे आपका दिमाग कैसे सीखेगा, ठीक है। जब आप खुद के दिमाग से करते हो तो आपका दिमाग को पता रहता है, अच्छा मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, यहाँ इस तरह से सोचना है, यहाँ पे ये वाली ट्रिक यूज़ करनी है। तो जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज दिमाग की करोगे उतने ही ज़्यादा आप मैथ्स में अच्छे होते चले जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच विल बी मेंटल एडिशन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, इस को सीख गए अगर आप नेक्स्ट टॉपिक को, तो आप मन में ही पता लगा सकते हो प्लस करके, आपको पेपर पेंसिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, हम मन में ही फटाफट से काउंट करके बता देंगे किसका आंसर क्या होगा। सो दे बहुत इंटरेस्टिंग मेथड रहेगी विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सो ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ऑल्सो बच्चों। वैसे आपको पता होता है इसमें प्लस करना है, बस कभी कभी आपको इंग्लिश का प्रॉब्लम रहता है, तो इंग्लिश अपनी अच्छी कर लीजिए थोड़ी सी, है ना। इंग्लिश कन्वर्सेशन की क्लासेस भी आपकी जारी हैं यूट्यूब चैनल पर, तो अभी लॉकडाउन में अच्छा मौका है आपके पास अपनी इंग्लिश, अपनी राइटिंग और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कीजिए, उनको इम्प्रूव कीजिए। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास एंड विल स्टार्ट विद दिस न्यू टॉपिक। सो टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।